अयोध्या पहुंची तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदर राजन ने हनुमानगढ़ी व राम जन्मभूमि दर्शन पूजन किया। इस दौरान अयोध्या में बने मद्रासी मंदिर से निकाली गई श्री राम रथ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में आए तेलंगाना के लोगों के साथ शामिल हुई और कहा कि आज रामलला का दर्शन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदर राजन ने कहा कि कुछ तमिल भाषी लोगों के धार्मिक आयोजन में भाग लेने पहुंची थी। इसके साथ पिछले 60 वर्षों से जुड़े हुए हैं भगवान राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी की प्रतिमा के रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकली हैं। पूरे देश के लिए आशीर्वाद मांगा है हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि दर्शन पूजन कर रही हूँ और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज ये मौका मिला। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने भगवान से कोरोना के समापन के लिए आशीर्वाद मांगा है। सभी लोग सुरक्षित रहें और कोरोना समाप्त हो। दरअसल अयोध्या में स्थित मद्रास मंदिर पर मंदिर का जीर्णोद्वार चल रहे वार्षिक उत्सव के तौर पर धार्मिक आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं और अपने पूजा पद्धति के अनुसार भगवान का अभिषेक, भगवान को रथ पर सवार करके पूरे नगर का भ्रमण इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं। मद्रास मंदिर के कार्यक्रम में भाग लेने तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदर राजन भी आई। ऑर्गेनाइजेशन द सोसाइटी व्हिच इज सर्विंग द कंट्री, दे आर वेरी गुड इन ट्रेड पेट्रियाटिज्म एंड दे हैव सर्व्ड द कंट्री फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एंड दे आर सर्विंग, दे आर ऑल रिलीजियस, they respect the religious sentiment of this country and they are much cultured, they respect the culture of the country and I am very happy to attend the chariot festival. This chariot is done within 63 days at Tamil Nadu and after 60 years this chariot is going to run in the streets of Ayodhya and I am really very happy to end. This will be a message, then I pray God that people should be free of corona and particularly Ayodhya attending this program, I am very happy. Thank ma'am, you Ram Mandir temple construction. Yeah, I am going to pray there. Dekhte rahiye DB Bharti Samachar, nazar har khabar par.